पहाड़ों की रानी मसूरी में सेल्फी ले रहे युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। युवक जब सेल्फी ले रहे थे तभी सामने से वाहन आता देख एक युवक ने बाइक को साइड में लगाना चाहा, लेकिन वो बाइक को नियंत्रित नहीं कर पाया और बाइक सहित खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। कभी कभी जरा सी लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो जाता है। कॉलेज के 2 युवक राजेंद्र और शुभम धनोल्टी मोटर मार्ग पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने अपनी बाइक रोकी और फोटो लेने लगे। जब वो सेल्फी ले रहे थे तभी सामने से एक वाहन आता देख शुभम ने बाइक को थोड़ा साइड में लगाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाइक को नहीं संभाल पाया और 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने SDRF टीम की मदद से शुभम के शव को बाहर निकाला। ये लोग 2 लोग थे और ये लोग देहरादून से घूमने आए थे और कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ये लोग, उनका डिसबैलेंस हुआ और वो लोग काफ़ी नीचे खाई में गिर गए। एक साथ का भी यहीं है और वो भी नीचे ही जा रखे हैं। हाँ, एक की डेथ हो चुकी है। हाँ, दूसरा ऊपर ही था, वो फ़ोटो खिंचा रहा था, और वो दूसरा जो है वो बाइक में बैठा था और उसका पैर छोटे थे उसके, और वो टेक नहीं पाया, एकदम से उसका डिसबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया। ये हम जॉर्ज एवरेस्ट आ रखे थे घूमने, तो जॉर्ज एवरेस्ट में इसने बोला कि जॉर्ज एवरेस्ट नहीं जाना, हमें जाना है कि इधर धनोल्टी चल की। तो हम धनोल्टी साइड के आ रहे थे, यहाँ पे इसने मेरे को रोका कि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इस साइड ना। इसने मेरे को बोला कि यहाँ पे व्यू बढ़िया है, गाड़ी रोक साइड में। हमने गाड़ी रोकी साइड में, तो ये पहले इसने मेरी फ़ोटो खींची, फिर मैं इसकी फ़ोटो खींच रहा था। तो यहाँ पे ना ऐसे सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो उसका ध्यान गाड़ी पे चला गया, और इधर साइड लेफ्ट साइड में स्टैंड लगा हुआ था, राइट साइड का पैर उसका थोड़ा सा छोटा है राइट साइड वाला ना, तो उसने डिसबैलेंस हुआ उसके उस पैर में, और गाड़ी भी और वो भी एकदम से नीचे चले गए। हम चाय पी रहे थे 5-6 लड़के, तो हमें एक आवाज़ जैसी आई, तो हम घटना स्थल से नीचे मौके में गए हैं, तो लड़का मृत्यु था, तो लड़का बहुत नीचे 500-600 मीटर खाई में नीचे गिरा है। तो ऐसा पहाड़ में फ़ोटो खींचना बहुत हानिकारी चीज़ है, ऐसे पहाड़ में फ़ोटो ना खींचे। पैराफिट के पास भी फ़ोटो खींच रहे हैं, वहाँ से नीचे बाइक के साथ नीचे गिरा है लड़का। हम थोड़ा सा देखा तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, ऊपर से तार गिरा हमारे ऊपर से, एक आवाज़ जैसे आई चलाने की, तो बाइक की सजा आवाज़ जैसे आई, तो हम घटनास्थल में तुरंत पहुँचे, तो वहाँ पे जूता फंसा हुआ था उसका पाइप में, तो वो हमें देख के लगा कि बंदा नीचे खाई में गिर गया। उसका साथ में एक लड़का था जो उसकी फोटो खींच रहा था, तो बाइक के साथ वो नीचे गिर गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।